Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum. Today I'm going to share with you people a message which you have heard a lot of times before, but it's very easy to say and hard to implement because we are not used to it. The message is living in this moment, living in the present. ये जो time है इसके अंदर रहना. Most of the time हमें लोग ये बात कह देते हैं कि आप अभी इस moment में रहें, अपने प्रेजेंट में रहें, पास्ट के बारे में नहीं सोचें, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचें और वरी मत करें, परेशानी अपने अंदर से निकाल दें. लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस नहीं है. वी आर नॉट टॉट टू लिव इन दिस वे. वी आर ऑलवेज टॉट टू थिंक अबाउट द फ्यूचर और द पास्ट. और हमने हमेशा से यही चीज़ें देखी हैं, तो आर ब्रेन आर माइंड इज़ यूज टू ऑफ डूइंग दैट. बट द मोमेंट यू स्टार्ट डिवेलपिंग दिस, द मोमेंट यू स्टार्ट डिवेलपिंग दिस ब्रेन मसल कि आपने मोमेंट में रहना है, आपने प्रेजेंट में रहना है एंड इस सेकेंड को इन्जॉय करना है. दिस सेकेंड बिटवीन योर टू ब्रेथ्स, दैट इज़ ऑल इट इज़. तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली खूबसूरती की तरफ और आसानी की तरफ जाना शुरू हो जाती है. एंड यू स्टार्ट बिकमिंग मोर कम्फर्टेबल विद योर सेल्फ एंड यू स्टार्ट बिकमिंग मोर कम्फर्टेबल विद योर लाइफ. अब प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जहाँ सब अच्छा चल रहा हो, वहाँ पे इट्स ईजियर टू बी इन द मोमेंट. प्रॉब्लम स्टार्ट जब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा. हाउ विल यू बी इन द मोमेंट उस टाइमिंग्स में जब सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? सब लोग समझना शुरू कर देते हैं कि अभी तो फ्यूचर के बारे में सोचो. आपका ब्रेन जो है इट इज़ कंडीशन्ड इन अ वे, इट इज़ मेड इन अ वे कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आपको पेन से दूर लेके जाता है. हमें बचपन से ही पेन से दूर लेके जाता है. द मोमेंट वी टच समथिंग हॉट हम फौरन पीछे करते हैं बिकॉज दैट्स हाउ आर ब्रेन इज़. एंड सेम वे जब प्रेजेंट में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो हमारा ब्रेन हमें फ्यूचर की तरफ लेके जाता है या पास्ट की तरफ लेके जाता है. द थिंग इज़ दैट वी नीड टू डिवेलप द पेशेंस इन आवर सेल्फ एंड वी नीड टू डिवेलप द परसेप्शन के हमें पता हो कि हमने मुश्किल में आसानी कैसे ढूंढनी है. इन दिस मोमेंट अगर कोई चीज़ मुश्किल हो रही है तो हमने अपना परसेप्शन कैसे चेंज करना है कि हम चीज़ों में अच्छाई को ढूंढ सकें और आसानी को ढूंढ सकें. दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डेवलप विद टाइम. फॉर एग्जाम्पल पेपर्स के दिनों में सबसे ज़्यादा मुश्किल है टू बी इन द प्रेजेंट. वी आर ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट के रिजल्ट क्या आना है, पेपर कैसा आएगा, हमें आता होगा या नहीं आता होगा. बट द मोमेंट यू लर्न दिस कि यू आर स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग और आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसको पढ़ना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा. अगर आप उस मोमेंट को जी लेते हैं और उस मोमेंट को सिर्फ इसलिए जीते हैं बिकॉज यू वॉन्ट टू डू इट एंड यू लव टू डू इट, तो उसके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेहतर होते चले जाते हैं. एंड देन यू देयर इज़ नो नीड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर बिकॉज योर प्रेजेंट इज़ सो गुड एंड योर प्रेजेंट इज सो कम्पोज्ड कि आपका फ्यूचर उसी तरह का होगा. सो दैट्स हाउ यू नीड टू डील विद सम डिफिकल्ट सिचुएशंस व्हिच come in your life. Number one, change your perception about it and try and find the good thing in that. And there is always something good because mushkil ke saath aasani hai. But if there still there is something left, some doubts left, so what you need to do is that you need to be very much mindful and intentions को इतना कर लें अच्छा अपनी कि आपकी नीयत उस काम को करने की इतनी अच्छी हो कि आपको future का पता सोचना ही ना पड़े. आप रिजल्ट ओरिएंटेड होने की बजाय एफर्ट ओरिएंटेड हो जाए. तो दैट्स हाउ यू कैन लिव इन द मोमेंट इन डिफिकल्ट सिचुएशंस एज वेल एज इन गुड सिचुएशंस इन लाइफ. सो दैट्स द एक्शन मैसेज फॉर टुडे. थैंक यू सो वेरी मच.